वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेवी फॉरेंसिक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टर अभिया मर्डर केस। सिस्टर अभिया पायस एक्स कॉन्वेंट हॉस्टल में रहती थी। शी बिलोंग टू द कैथोलिक चर्च इन कोट्टायम एंड शी वॉज 21 ईयर ओल्ड गर्ल एंड प्री डिग्री स्टूडेंट इन द कॉलेज ऑफ कोट्टायम। ये जो कॉलेज था वो फादर थॉमस चला रहे थे। फादर थॉमस वहाँ पर साइकोलॉजी भी पढ़ाते थे। अब यहाँ पर एक और शख्स थी, सिस्टर सेफी। वो भी सिस्टर अभिया के साथ हॉस्टल में ही रहती थी एंड शी वॉज द इंचार्ज ऑफ चर्च। अब ये केस की स्टार्टिंग होती है 27 मार्च 1992 को, जब सिस्टर अभिया की बॉडी उसी हॉस्टल के वेल में मिली थी। ये केस स्टार्टिंग में लोकल पुलिस एंड स्टेट क्राइम ब्रांच के पास गया। अब उन्हें ये केस लग रहा था सुसाइड का। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई एंड जैसे जैसे केस की डिटेल्स पता चल रही थी, ये पता चला कि ये सुसाइड केस नहीं, मर्डर केस है। अब जो ये केस था वो 28 ईयर में सॉल्व हुआ, और सॉल्व हुआ वो भी एक थीफ के स्टेटमेंट पे। इस केस में 28 ईयर में काफ़ी विटनेसेस थे, लेकिन उन्होंने सबने अपना स्टेटमेंट हर बार चेंज कर दिया था। अब ये केस को रीओपन करवाया था एक पब्लिक एक्टिविस्ट जोमोन ने। जो जोमोन था उसने ये केस जब रीओपन करवाया, तब ये केस जो रीओपन हुआ था केरला हाई कोर्ट में हुआ। अब जब केरला हाई कोर्ट में ये केस रीओपन हुआ तो उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दिए। जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तब सीबीआई की कुछ फाइंडिंग्स थी। जैसे जब पहली सीबीआई टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए गई तब पहली टीम को कॉज ऑफ डेथ पता ही नहीं चल पाया था। देन कोर्ट ने फिर से ऑर्डर दिए सेकेंड टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए। सेकेंड टीम ने इन्वेस्टिगेशन की, उन्हें कॉज ऑफ डेथ तो पता चला, उन्हें ये पता चला कि ये एक मर्डर केस है, लेकिन एज सच कुछ एविडेंस नहीं मिले, कोई एक्यूज नहीं मिला जिससे क्रिमिनल तक पहुंच जाए। अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए थर्ड टीम बनाई। 2007 में कोर्ट ने फिर से ऑर्डर दिए थे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब ये जो टीम बनाई थी उन्हें काफ़ी सारे एविडेंस मिले एंड एक्यूज भी मिले। उन्होंने कोर्ट की परमिशन से एक्यूज का नार्को एनालिसिस भी करवाया था एंड 19 नवंबर 2008 को उन एक्यूज का नार्को एनालिसिस हो गया था एंड उन्हें अरेस्ट कर लिया। देन 17 जुलाई 2008 को मर्डर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का चार्ज लगा। अब ये जो एक्यूज थे वो थे फादर थॉमस, फादर जोस एंड सिस्टर सेफी। बट अब ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी सीबीआई की, इसमें हाई कोर्ट को कुछ लूप होल्स दिख रहे थे। अब केरला हाई कोर्ट ने बोला कि शायद या तो जो नार्को एनालिसिस की रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है एंड जो सिस्टर अभिया मर्डर में जो स्वैब एग्जामिनेशन हुआ है उसकी जो रिपोर्ट है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तो फिर से कुछ एविडेंस जो भी मिले थे उनकी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई। अब उनमें ऐसा पता चला था जो सीबीआई की रिपोर्ट थी कि जो 27 मार्च 1992 को मॉर्निंग में 4:15 अराउंड सिस्टर अभिया अपने रूम से किचन में गई। जब वो किचन में गई, सिस्टर सेफी फादर थॉमस के साथ वहाँ दिखी उन्हें। अब वो कुछ ऐसी कंडीशन में थी जैसे कि सिस्टर अभिया को नहीं देखना था, और उस सिचुएशन में देख के सिस्टर सेफी काफ़ी डर गई कि उसे अभिया ने देख लिया है। अब सिस्टर सेफी ने फिर काफ़ी घबरा गई, उस घबराहट में एक्स उठाई और उसके हेड पर अटैक कर दिया था। अब फादर थॉमस ने एंड सिस्टर सेफी दोनों ने मिलकर जो पायस एक्स कॉन्वेंट हॉस्टल है उसके वेल में सिस्टर अभिया की बॉडी को धक्का दे दिया, जबकि वो उस वक्त जिंदा थी। अब जो प्राइमरी क्राइम सीन था हमारा, जहाँ पर किचन में उस पर फर्स्ट टाइम अटैक किया था, वहाँ पर फ्रिज का जो डोर था वो ओपन था एंड जो पानी की बोतल थी वो भी गिरी हुई थी एंड स्लीपर थी एक, वो फ्रिज के नीचे मिली। तो इस टाइप से कुछ एविडेंस मिले थे जिनके थ्रू ये केस में काफ़ी हेल्प हुई थी। अब जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की बात करें, तो सुबह 10 o'clock जब बॉडी को वेल से बाहर निकाला, तब कोट्टायम जो पुलिस है, लोकल पुलिस, उन्होंने इस बॉडी को मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेजा था एंड वहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे उन्होंने ही सिस्टर अभिया की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। अब जब पोस्टमार्टम किया तो उसके कुछ एग्जामिनेशन में फाइंडिंग्स आई थी, वो ये थी कि जो सिस्टर अभिया है उनकी जो बॉडी में
राइट ईयर पर कुछ लेसरेशन एंड राइट शोल्डर पर कुछ एब्रेशन मार्क दिख रहे थे एंड कॉज ऑफ डेथ भी ड्राउनिंग था। सो इससे ये पता चल गया था कि वो एक मर्डर केस है। अब कोर्ट को ये सारी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल गया था कि जो फादर जोस है, जिन्हें भी अरेस्ट किया था, वो शायद उनका कुछ लेना देना नहीं है इस केस से एंड उन्हें फिर रिलीज कर दिया था क्योंकि उनके अगेंस्ट एज सच कुछ एविडेंस नहीं मिले थे। अब ये केस में सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस था थीफ का स्टेटमेंट। जब 27 मार्च 1992 को ये सारी चीज़ें हुई, तब एक थीफ वहाँ एंटर किया था कंपाउंड में चोरी करने के लिए। वो कोको ट्री पर चढ़ के बैठ गया था और वो टेरिस पर कूद कर स्टेयर्स के थ्रू जाके किचन में कॉपर प्लेट्स चुराना चाहता था, लेकिन वो वेट कर रहा था कि वहाँ पर कोई आए ना और कोई उसे देखे ना। अब जब वो जैसे ही टेरिस पर कूदने वाला था, उसने देखा कि वहाँ फादर थॉमस एंड फादर जोस दोनों ही सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं। उसने वेट किया, लेकिन उसने जो सिस्टर अभिया का मर्डर हुआ वो सारी चीज़ें देख ली थी, पर पुलिस को उसने उस वक्त कुछ नहीं बताया। लेकिन काफ़ी टाइम बाद न्यूज़पेपर जब उसने देखा, उसमें सिस्टर अभिया केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी एंड साथ में ही फादर थॉमस का फोटो था, उसे वो सारी चीज़ें फिर से याद आ गई एंड उसने डिसाइड किया कि वो जाकर पुलिस को अपना स्टेटमेंट देगा। जब वो पुलिस को बताने गया तब उस पर भी चार्जेस लगे, पर फिर भी उसने अपना स्टेटमेंट दिया एंड उसी के स्टेटमेंट से आफ्टर 28 ईयर ये केस सॉल्व हुआ। इस केस का वेडिक्ट यही था कि आफ्टर 28 ईयर 22 दिसंबर 2020 को फादर थॉमस एंड सिस्टर सेफी बोथ आर फाउंड गिल्टी अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी मर्डर एंड सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। फादर थॉमस एंड सिस्टर सेफी बोथ फाउंड गिल्टी एंड एक एडिशनल चार्ज लगा था ग्रीवियस हर्ट का अंडर सेक्शन 459 ऑफ आईपीसी ऑन फादर थॉमस पर। अब ये केस में 23 दिसंबर 2020 को फादर थॉमस एंड सिस्टर सेफी वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 5 लाख रुपीज पेमेंट फॉर ईच ऑफ देम। देन ये केस में जो फादर थॉमस है उन पर एक एडिशनल चार्ज लगा था प्रीवियस हर्ट का, जिससे उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 लाख रुपीज फाइन भी लगा था। लेकिन रिसेंटली इन जून 2022 में ये जो केस है उसमें फादर थॉमस एंड सिस्टर सेफी दोनों को ही बेल ग्रांट हो गई है एंड 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड 50,000 का फाइन लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। Thank you.